अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। बकरीद की आमद आमद है और हमसे लोग यही पूछते हैं कि गोश्त के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं। नाज़रीन, ये तो नहीं मालूम कि इंसान ने गोश्त को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा कब बनाया, लेकिन एक अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 26 लाख साल पहले इंसान ने शिकार शुरू किया जानवरों का और गोश्त को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया। और ग़िज़ा ज़ाहिर है कि ये काफ़ी लज्जत होती है, इसलिए इंसान इसको पसंद करता है। तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी, जो कि हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बकरीद पे चूँकि गोश्त ज़्यादा मैसर होता है तो लोग ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं। रिकमेंडेशन क्या है कि एक हफ्ते में 300 से लेके 400 ग्राम तक आप रेड मीट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो गोश्त है गाय या बकरे का, रेड मीट जिसको हम कहते हैं, ये 300 से 400 ग्राम एक हफ्ते, तकरीबन समझें कि 1.5 पाव के करीब जो है वो गोश्त एक हफ्ते में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा पाव हर 2 दिन के बाद, ये लेकिन ये कि बकरीद के ऊपर तो चूँकि काफ़ी मकदार में अवेलेबल होता है और बारबेक्यू और न जाने कितनी सारी डिशेज़ की सूरत में हम बहुत ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि गोश्त में है क्या। एक्चुअली गोश्त बेसिकली कॉम्बिनेशन है प्रोटीन और फैट का, चर्बी होती है, प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो आयरन है, आयरन है जो कि फौलाद कहलाता है, B12 है, जिंक है, ये कुछ वाइटामिन हैं जो इसके अंदर होते हैं और ये जो इसकी गज़ाइत या ताकत को बढ़ाते हैं। गोश्त के अंदर जो बीफ होता है तकरीबन इसमें प्रोटीन 38% होती है, और आपको हैरत होगी कि इसके मुकाबले में चिकन या फिश के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होती है, कि चिकन के अंदर 49% प्रोटीन होती है। तो जो बीफ है, लाल गोश्त है, इसके अंदर चूँकि चर्बी की मकदार ज़्यादा है इसलिए प्रोटीन की मकदार कम होती है। इसके मुकाबले में चिकन में चर्बी कम होती है और प्रोटीन ज़्यादा होती है। तो ये एक आपको डिफरेंट लगेगा कि चिकन में प्रोटीन ज़्यादा होती है। कैलरीज वाइज तकरीबन सेम है कि जितनी कैलरीज गोश्त में है, बीफ में है, उतनी ही कैलरीज चिकन में और फिश में भी उतनी ही है। सिर्फ चर्बी चिकनाई की वजह से थोड़ी सी कैलरीज का फ़र्क आता है। तो आप ये मत सोचें कि अगर चिकन खा रहे हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा या फिश खा रहे हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है कि कैलरी वाइज तकरीबन सेम है और प्रोटीन जो है वो चिकन में ज़्यादा है बीफ के मुकाबले में। बीफ में चूँकि चर्बी चिकनाई ज़्यादा होती है तो इसलिए ये नुकसानदेह ज़्यादा तस्वूर किया जाता है, और डॉक्टर मना करते हैं कि भी आप रेड मीट ना लें या गोश्त से परहेज करें। उसकी बेसिक रीज़न जो है वो यही है कि इसमें चर्बी चिकनाई ज़्यादा होती है। नाज़रीन, प्रोटीन की जो बेस यूनिट है वो अमाइनो एसिड कहलाती है। जैसे एक दीवार है उसमें की बेसिक जो है वो ईंट, एक ईंट होती है, इसी तरीके से जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो तकरीबन 20 के करीब अमाइनो एसिड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमें चाहिए होते हैं। उनमें से 10 के आधे इसेंशियल हैं, आधे नॉन इसेंशियल हैं। यानी कि इसेंशियल का मतलब ये है कि हमें जिस्म में लेना ज़रूरी है, नॉन इसेंशियल का मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी में खुद से भी बन सकते हैं, हमारी बॉडी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके उसको बना लेती है। तो वो नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड कहलाते हैं, और जो हमें लेना पड़ते हैं वो इसेंशियल है। तो इसेंशियल अमाइनो एसिड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो तो गोश्त है, गोश्त के ज़रिए ही ये हमारी बॉडी में आते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो दूध है और अंडे हैं। जो लोग गोश्त इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए अल्लाह ताला ने सब्ज़ियों के अंदर भी जो है वो ये अमाइनो एसिड बनाए रखे हैं कि वो उसके ज़रिए ले सकते हैं, जिनमें सोयाबीन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सोयाबीन जो है बहुत रिच है अमाइनो एसिड्स के अंदर। किनुआ एक प्लांट है, उससे हो सकता है। ब्लैक व्हीट, काली गंदम जो कहलाती है, बकव्हीट इसको कहते हैं, इसके अंदर भी प्रोटीन होती है। चिया सीड जो तुख मलंगा है इसके अंदर भी होती है। स्पायरोलिना एक प्लांट है उसके अंदर। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंसान, जो लोग गोश्त नहीं लेते हैं वो इन सब्ज़ियों और प्लांट के ज़रिए भी प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, जो बिल्कुल गोश्त नहीं लेते, ना अंडा और इसका इस्तेमाल करते हैं, अंडे का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये जैन हैं, जैन कहलाते हैं। इंडिया के अंदर एक मज़हब है जो हिंदू, कुछ लोग उनको हिंदू ही समझते हैं लेकिन वो कहते हैं कि हमारा मज़हब उससे डिफरेंट है हिंदू से, तो जैन कहलाते हैं। जैन तकरीबन 40 से 50 लाख के दरमियान इनकी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, और ये प्योर वेजिटेरियन है। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो अंडे का इस्तेमाल करते हैं और इनको लैक्टो ओवो कहते हैं, कि ये दूध भी पीते हैं और अंडा भी लेते हैं, तो इनकी ज़रूरियात जो प्रोटीन की हैं वो पूरी हो जाती हैं।
उसके बाद हिंदू मज़हब के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चिकन इस्तेमाल कर लेते हैं, मटन इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली बीफ अवॉइड करते हैं, बीफ नहीं लेते हैं, तो ये वेजिटेरियन हैं। आप ये देखें कि ये भी हेल्दी लाइफ गुजारते हैं। अल्लाह ताला ने प्लांट्स के अंदर, वेजिटेबल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, और ख़ास तौर पर बस ये कि इनको विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना पड़ता है। B12 जो है वो गोश्त में बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी जहाँ तक आयरन का ताल्लुक है वो भी कुछ चीज़ों में है, लेकिन जो आयरन गोश्त का आयरन है वो बहुत अच्छा है। जो आयरन प्लांट के अंदर या इन सब चीज़ों में होता है, तो ये इसकी वो क्वालिटी नहीं होती जो कि गोश्त के आयरन की होती है। एज अ होल यानी कि इंसान के लिए गोश्त बहुत ज़रूरी नहीं है, एक हेल्थ के लिए अच्छा है लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है, इसके बगैर भी इंसान हेल्दी रह सकता है। गोश्त को जहाँ तक फ्रीज़ करने का ताल्लुक है, फ्रीज़ किया हुआ गोश्त तकरीबन 4 से 12 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर प्रॉपरली गोश्त को फ्रीज़ किया गया हो। फ्रीज़ करने में ख़ास तौर पर ख्याल ये रखें कि गोश्त को पानी ना लगे, कि ना धोएं उसको ना पानी लगे। ऐसा गोश्त जो है वो 4 से 12 महीने तक इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतर ये है कि ज़्यादा इतने अर्से यूज़ ना, उसको फ्रीज़ ना करें, मगर ये रिकमेंडेशन है। और जब भी इसको यूज़ करें तो बाहर निकाल के ना रख दें, क्योंकि उसके ऊपर का हिस्सा सॉफ्ट हो जाएगा अंदर का नहीं, और ऊपर जरासीम बनने शुरू हो, तो बेहतर ये है कि माइक्रोवेव के अंदर इसको डीप फ्रॉस्ट करें। डीप फ्रॉस्ट करने के बाद फौरी तौर पर इसको पका लें और अच्छी तरह कुकिंग करें इसको। जो प्रॉपरली जो है, अगर गोश्त नहीं पका हुआ होता है तो उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुकिंग जो है वो बड़े अच्छे तरीके से होनी चाहिए। जहाँ तक गोश्त के फ़ायदे का ताल्लुक है, तो काफ़ी फ़ायदा है इंसान की हेल्थ के लिए। सबसे अच्छी बात है कि डायबिटिक पेशेंट में इतनी शुगर नहीं बढ़ती, तो डायबिटिक पेशेंट अगर गोश्त इस्तेमाल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम इस्तेमाल करें, प्रोटीन ज़्यादा यूज़ करें गोश्त की शक्ल में, तो शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इससे पेट भर जाता है, एक फीलिंग होती है भूख ख़त्म होने की, सेटाइटी इसको कहते हैं। जब हम ये सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि हाँ पेट भर गया, तो फिर हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, ज़्यादा ओवर ईटिंग से बच जाते हैं। कुछ गजाएँ ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं लेकिन लगता है कि अभी भी भूख है या भूख और बढ़ जाती है, लेकिन गोश्त एक ऐसी चीज़ है जिससे भूख ख़त्म हो जाती है और पेट भरे होने का एहसास होता है, फुलनेस का एहसास होता है। हमारी जितने मेटाबॉलिक रेट बॉडी का है वो बढ़ जाता है, जितने केमिकल रिएक्शंस है बॉडी के वो सब बढ़ जाते हैं, तो ये मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा ज़रूरी है, वो इसके पास। फिर ये कि जो हम मसल मास होता है बॉडी का, कि जितने मसल्स हैं हमारे, वो उसको रिटेन रखता है, कि प्रोटीन है होती है, मसल मास लूज़ नहीं हम कर पाते, जो बोन्स हैं हड्डियाँ मजबूत होती हैं इस गोश्त की वजह से। आयरन एब्जॉर्प्शन का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इसमें चूँकि हीम होता है गोश्त के अंदर, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर भी जो है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है वो विटामिन सी अगर हो तो ज़्यादा हो, यही वजह है कि हम गोश्त के साथ जो है टमाटर और ये सब चीज़ें डालते हैं, तो ये विटामिन सी प्रोवाइड करती हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो गोश्त को ज़्यादा बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कराते हैं। जहाँ तक इसके नुकसान का ताल्लुक है, एक तो ये कि ओवर ईटिंग जगह हम करते हैं बकरीद के टाइम पे, तो उससे एसिडिटी बहुत हो जाती है, सीने में जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, उल्टी मतली की कैफियत फील होती है, और दूसरे डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि रूटीन में तो हम लोग इतना गोश्त यूज़ नहीं करते हैं, तो बारबेक्यू और बहुत सारी चीज़ें जो हम बनाते हैं, तो उनसे एसिडिटी और डायरिया का बड़ा चांस। लॉन्ग टर्म अगर हम इसको देखें, तो चूँकि इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है गोश्त के अंदर, तो हार्ट प्रॉब्लम होने के, हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फालेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रेड मीट है, जो गोश्त बड़े का गोश्त है या बकरे का गोश्त है, इससे शुगर के, डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी कि डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो एक तो मैंने पहले आपको बताया कि जब हम गोश्त खाते हैं उससे शुगर इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गोश्त खाने से डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, ये खा। दूसरे कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि गोश्त ओवर ईटिंग की वजह से उससे उनका ताल्लुक है, ख़ास तौर पे स्टमक का कैंसर जो है, पेट का जो मैदे का कैंसर है वो, प्रोस्टेट का कैंसर और बड़ी आंत का कैंसर, ये कैंसर जो है वो कॉमन है उन लोगों में जो ज़्यादा गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। तो हर चीज़ में इतदाल अच्छा है, कि जो रिकमेंड किया गया है कि आप एक हफ्ते में 300 से 400 ग्राम के करीब, 1.5 पाव के करीब गोश्त आप यूज़ करें। ओवर ईटिंग ना करें, गोश्त जो बाज़ार से लाएं उसमें भी कोशिश करें कि चर्बी चिकनाई साफ़ करके लाएं, बाकी घर में जब ला रहे हैं इसको साफ़ करते हैं, वॉश करते हैं, उसमें भी अगर चर्बी चिकनाई है तो उसको निकाल दें, चर्बी से बचा के इस्तेमाल करें, ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो एंड में सम अप करते हैं कि गोश्त गज़ाइत के अतबार से बहुत अच्छा है, हमें लज्जत इसमें पैदा होती है और आदमी को खाने में बहुत अच्छा लगता है, दावतों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बकरीद पे तो बहुत मैसर होता है। इतदाल में खाएं तो इसके बहुत फ़ायदे हैं, और अगर ओवर ईटिंग करें तो फिर डायरिया हो सकता है और एसिडिटी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जो बहुत ज़्यादा लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो गोश्त के इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और इससे हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, पालिज हो सकता है, कुछ कैंसर इसकी वजह से हो सकते हैं, तो एहतियात करें कि इतदाल का रास्ता इख्तियार करें। आखिर में नाज़रीन एक मैसेज है, वो ये कि अगर आप दो जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो बेहतर यह है कि एक आप अपने घर पर करें और एक ऐसे किसी अजीज रिश्तेदार के करें जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही। अगर ऐसा रिश्तेदार नहीं है तो आपके यहाँ ड्राइवर हो, माली हो, चौकीदार हो, वो जानवर उसके घर पे भेज के वहाँ पे ज़िबा कराएं। आप कसाई को साथ में भेज दें, जानवर ज़िबा कराएं ताकि उसके बच्चे भी खुश हो जाएं, उनके घर में भी रौनक हो जाए, उनके बच्चे भी जो है कलेजी खाएं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ, क्योंकि आपको तो अल्लाह के नाम में कुर्बानी करना है, तो वो भले आपके घर पर कुर्बान हो या दूसरे के घर पर कुर्बान हो, अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक करें, सवाब तो आप ही को होगा लेकिन उसके घर पर रौनक हो जाएगी, उसके बच्चे खुश हो जाएंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप जितनी को एक से ज़्यादा जानवर कुर्बान कर रहे हैं तो दूसरा जानवर वो किसी भी ऐसे घर में करें जहाँ पे जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते।